नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज बुधवार 16 दिसंबर, कल के सेशन की अगर बात करें तो कॉटन के लिए मिलाजुला ट्रेड था, कपास के लिए भी मिलाजुला ट्रेड था। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में हमने देखा प्राइजेस 2000 का लेवल नहीं तोड़ पाया और प्राइजेस में रिकवरी आती हुई दिखाई दी और प्राइजेस 0.25% की तेजी के साथ 2065 पे बंद होता हुआ दिखाई दिया। आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट पे फेस होते हुए दिखेंगे। इंटरनेशनल में पहली बार हमने देखा 75 सेंट के ऊपर भी प्राइस निकल गया, जिस दिन से हमने उम्मीद की थी 72 के ऊपर 75 के ऊपर 78 तक का लेवल दिखा देगा। उम्मीद जताई जा रही है, कंसर्न्स है, यूएस कैन बैन चाइनीज प्रोडक्ट, जो हमने कल भी देखा था उसका एक कंसर्न्स जरूर बना हुआ है। बट अभी भी ट्रेड डील के तहत जो बाइंग हो रही है एग्री प्रोडक्ट के अंदर चाइना की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट सोयाबीन और कॉटन पे संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा कि थोड़ी बहुत डिमांड इंप्रूव हुई है, अराइवल कंसर्न्स थोड़े बढ़ना चालू हुए हैं, जिसके चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो प्राइजेस में एक बड़ी तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन फेज आना था, तो पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा कॉटन कपास और कॉटन सीड ऑयल केक में एक सेमी दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा था। कॉटन की अगर बात करें तो टेक्निकली 20,300 का लेवल आज ब्रेक करने पर आपको बाय करना है, जो 20,450 से 20,600 तक का लेवल दिखा देगा। कपास 1200 के ऊपर ही तेज बनता है, जो ऑलरेडी हमने क्लोजिंग बेस पे देख चुके हैं। 1200 के ऊपर 1220 का पहला लेवल और 1236 का दूसरा लेवल देखने मिल जाएगा। दोनों की तेजी के चलते चलते हमने साथ में देखा है कॉटन सीड ऑयल केक में भी तेजी बना हुआ है। पर ध्यान रखिए, जब तक 1980 और 2080 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है, 2080 के ऊपर या 1980 के नीचे, तब तक मार्केट दायरे में रहेंगे। आज कोशिश पूरी की जाएगी मार्केट में एक बड़ी तेजी की, पर ध्यान रखिए क्लोजिंग 2080 के ऊपर होने पे ही, 2080-85 होने पे ही हम 2150 तक का लेवल देख पाएंगे, नहीं तो 2080-85 का लेवल छूने के बाद प्राइजेस में फिर से गिरावट आ सकती है। चार्टिकली कॉटन की बात करें तो हमने कंसोलिडेशन फेज देखा है, 20,300 का लेवल तोड़ने पे हम 20,650 तक का भी लेवल आराम से देख पाएंगे। कॉटन सीड ऑयल केक में जैसे हमने देखा है पिछले 2 दिनों में मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड होने के बाद अब उठने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। प्राइस आज के सेशन में 2080-85 के ऊपर क्लोज दे देता है तो हम 2180 के टारगेट के लिए लेके चलेंगे। ओवरऑल ध्यान तेजी का रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। धन्यवाद।